सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पिछले 3 महीने से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे कर रहे हैं। अपने खुलासों को लेकर सुशील मोदी लगातार आरजेडी के निशाने पर है, मगर गुरुवार को उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसकी वजह से बड़ा बवाल मच गया। दरअसल भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे लालू के छोटे बेटे और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को ऐलान कर दिया कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और अपने बचाव में उन्होंने कहा था कि जिस वक्त रेलवे टेंडर घोटाला हुआ था उस वक्त उनकी ना तो दाढ़ी थी और ना ही मूंछ, सो तो उनकी उम्र केवल 13 या 14 वर्ष थी। इसी संदर्भ में सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया और लिखा, जब कोई बिना मूंछ वाला निर्भया जैसा जघन्य बलात्कार कांड कर सकता है तब कागजी हेराफेरी से संपत्ति की नहीं बना सकता। इस ट्वीट पर भले ही सुशील मोदी ने कहीं भी तेजस्वी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा था, मगर संदर्भ बिल्कुल साफ था। सुशील मोदी के ट्वीट के बाद जैसे आरजेडी में उन पर हमला करने की होड़ मच गई। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दनादन सुशील मोदी पर जवाबी हमला बोला। पहले ट्वीट में पार्टी ने लिखा, नरेंद्र मोदी राष्ट्र को बताए कि वह इस बयान से सहमत है, बीजेपी की आधिकारिक सहमति प्राप्त है। दूसरे ट्वीट में पार्टी ने लिखा, अपने को स्थापित करने के लिए सुशील मोदी मरणोपरांत एक बलात्कार पीड़िता के नाम को बेवजह घसीट नारी अस्मिताओं का अपमान कर रहे हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।